बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इधर थर्मल प्रॉपर्टी या मैटर में। और ज़्यादातर तो जो नीट के क्वेश्चन है एवरेज इक्वेशन पे बनते हैं। एवरेज इक्वेशन क्या होता है, अगर टेम्परेचर T1 से T2 हो गया है, ठीक है, तो T1 माइनस T2 बाई 2 दैट इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 और T इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। ये इक्वेशन याद रखो, एक टाइम में कूलिंग हुआ है, T1 टेम्परेचर होने से T2 हो गया है, टाइम T लग गया है और सम कांस्टेंट के T इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि T जो है वो कांस्टेंट होता है। देयर आर सम अजम्पशन इन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि हर एक कंडीशन में हर जगह सही है। देयर आर सम अजम्पशन, T इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। जैसे अगर हम लोग के चाय रखा हुआ है, ठीक है, दैट इज द टी ऑन टेबल, तो ये चाय अगर ठंडा होती है तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि टाइम के रिस्पेक्ट में चाय तो कूल होगी, तो ऐसा नहीं कि चाय के ठंडा होने से रूम ही गर्म हो गया यार। ठीक है, तो थ्योरेटिकली तो देखो, थ्योरेटिकली तो बट ए बहुत ही कम चेंज हुआ होगा, बट दैट अजम्पशन इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसको हम कॉन्स्टेंट मानेंगे। ठीक है, और न्यूटन स्टॉप कूलिंग ये कहता है कि द फॉल ऑफ द टेम्परेचर या रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, फास्ट कूलिंग होगी। ठीक है, चलो तो इसको हम लगाते हैं अपने लिए, दो बार लगाएंगे क्योंकि दो कंडीशन है। देखो, पहला कंडीशन ये है प्यारे बच्चों कि टेम्परेचर 3T से 2T हुआ है और टाइम लिया है T। 2T से टेम्परेचर T- हुआ जो हमें नहीं पता है और वह हमें निकालना, यही हमारा टारगेट है। अगर यही हमारा टारगेट है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसमें भी टाइम T ही लगा, तो एक बार इसके लिए लगाऊं और एक बार इसके लिए लगाऊं, दो सर्कल बना दिया, दो बार इक्वेशन लगेगा और उसके बाद T- आ जाएगा, है ना। बात समझ में आ गई। चलो, तो अगर बात समझ में आ गई तो इसको दो बार हम लगा देते हैं। ठीक है, पहले के लिए यहाँ लगाएं 3T माइनस T 2T माइनस T, स्मॉल T की वैल्यू 10 मिनट्स इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के 3T प्लस 2T और डिवाइडेड बाई 2 माइनस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर T। अब ये भाई T बाई 10 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के और 2T ने 2T को T बाई 2, तो T ने T को, ठीक है, और ये इसको 5, इसका मतलब ये हुआ कि K की वैल्यू आ जाएगी 1/15, दैट इज द स्पेशल K। ये दूसरे बार यूज होगा ना, यहाँ जब यूज करूँगा तो दो अननोन आ जाते हैं ना, इसलिए पहले दे दिया गया है। ठीक है, ऐसा होता है। चलो, ऐसा कंडीशन में जहाँ दो अननोन वेरिएबल आते हैं तो दूसरा पहले किसी कंडीशंस में छुपा रहता है, तो इसके लिए लगाओ तो 2t माइनस t डैश, टाइम लग गया 10, कॉन्स्टेंट k की वैल्यू 1/15 और 2t प्लस t डैश दैट इज 2 माइनस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। वो बहुत फास्ट लिखते हो सर आप। इसका मतलब ये हुआ कि इसको 5 से काट दो 3, इसका मतलब ये हुआ कि इधर आया 2t माइनस t डैश इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1/3, 1/3 इज इक्वल टू 2t ने 2t को, दैट इज t डैश बाई 2, तो 2 ने 2 को, ठीक है, और ये 6t माइनस 3t डैश इज इक्वल टू t डैश। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि t डैश इज इक्वल टू 6 और 4 3/2t, दैट इज द फाइनल सोल्यूशन, है ना मेरे प्यारे बच्चों। 3t/2 कोई हो भाई? हाँ, है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है।